हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम आंवला कैंडी बनाएंगे। आंवले के फायदे तो आप सब लोग जानते ही हैं। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी स्किन, बालों और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हमें इन्हें अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। पर इसका स्वाद थोड़ा सा कसैला होता है, जिसके कारण बच्चे इसे कम खाना पसंद करते हैं। पर आज हम आंवले की बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी कैंडी बनाएंगे, जिसे बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और इस आंवला कैंडी की खास बात यह है कि हम इसे बिना गैस जलाए बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। तो आइए आंवला कैंडी बनाना शुरू करते हैं। आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो आंवला ले लिए हैं। इन्हें मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके एक सूखे साफ कपड़े से पोंछ के ले लिया है। तो यहाँ आप देखिए कि मैंने बिना किसी दाग धब्बे के एकदम फ्रेश आंवले लिए हैं, क्योंकि इससे कैंडी बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे और इसमें ये आंवलों को डीप फ्रीज करेंगे। आप चाहें तो इन्हें किसी प्लास्टिक के पॉलीथिन में रैप करके भी रख सकते हैं। तो ये मैंने सारे आंवलों को प्लास्टिक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम कंटेनर का ढक्कन लगा देंगे और इन्हें 2 दिन तक डीप फ्रीज करेंगे। तो यहाँ 2 दिन हो गए हैं, मैंने आंवलों को फ्रीजर में से अलग निकाल लिया है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे आंवले एकदम बर्फ बन चुके हैं। तो अब हम इन आंवलों को 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारे आंवले नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। तो ये 4-5 घंटे हो गए हैं, आप देखिए हमारे आंवले एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गए हैं। आंवले नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम हाथों से ही इनकी कलियों को इस तरह अलग कर लेंगे। और ये आप देखिए कि कितनी ईजी तरीके से इनकी कलियाँ अलग हो रही हैं। इन्हें निकालने के लिए हमें किसी नाइफ की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। तो अब हम इसी सेम प्रोसेस से सारी कलियों को अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारे आंवलों की कलियों को इस तरह अलग निकाल लिया है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसमें ये आंवले डालेंगे। और अब हम इसमें 1 किलो चीनी डालेंगे। तो क्योंकि हमने 1 किलो आंवला लिया था, तो इसलिए 1 किलो चीनी का ही यूज़ करेंगे। और अब हम चीनी को आंवलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने चीनी और आंवले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे 3 दिन के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे, ताकि हमारे आंवले चीनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ 3 दिन हो गए हैं, अब प्लेट हटाएंगे। और यहाँ आप देखिए कि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारे आंवलों ने लगभग सारी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बहुत ही जूसी दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम एक बोल लेंगे, इसके ऊपर एक छनी रखेंगे और अब हम सारे आंवलों को इस तरह छान लेंगे। मतलब कि हमारे आंवलों में जो भी थोड़ी सी भी चाशनी रह गई है, उसे हम अलग निकाल देंगे। तो ये मैंने सारे आंवलों को छन्नी में अलग निकाल लिया है। तो अब हम इन्हें 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारे आंवले में जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है, वो भी छलनी में से अलग निकल जाए। तो ये लगभग 20 मिनट हो गए हैं, आंवलों को इस तरह अलग निकाल लेंगे। और ये जो आंवले की चाशनी बची है, इसे आप फेंके नहीं, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके शरबत की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्टील की थाली में एक फॉइल पेपर को इस तरह बिछा लिया है, ताकि आंवले के निशान थाली पर ना पड़े। तो अब हम इसमें ये आंवले डालेंगे और इन्हें थाली में इस तरह फैला देंगे। तो यह मैंने सारे आंवलों को थाली में अच्छे से फैला लिया है। तो अब हम इन्हें ऐसे ही 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे, ताकि हमारे आंवले अच्छे से सूख जाएं। या फिर आप चाहें तो इन्हें 3-4 दिन पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही आसानी से सूख जाती हैं। पर ध्यान रखेंगे कि हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, क्योंकि अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा सुखा लेंगे तो आंवला कैंडी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने इन्हें 2 दिन धूप में अच्छे से सुखा लिया है। और यहाँ आप देखिए कि अगर हम कैंडी को तोड़ते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से टूट रही है। तो अब हम इन कैंडीज को एक बोल में अलग ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कैंडीज को एक बोल में अलग ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 4 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो यह मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारे आंवलों के ऊपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो जाए।
तो यहाँ आप देख सकते हैं आमलों के ऊपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो गई है। आप इन आमला कैंडीज को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के कंज्यूम कर सकते हैं। ये आमला कैंडी खाने में तो अच्छी लगती ही हैं, प्लस ये बहुत ही हेल्दी भी होती हैं और ये बच्चे और बड़े दोनों को ही बहुत पसंद आती हैं। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।